See, two more questions based on equation of normal, right? So question number 3 and 4. Question number 3 dekhiye, ye bol raha hai ki shortest distance between this line and the ellipse. Ab shortest distance agar nikalni ho, line koi given ho, any line is given and ellipse is given and we have to find out the shortest distance. So shortest distance wahi create karegi jo normal line hogi, normal ki equation. So this is the normal which can create normal is perpendicular to this line और ये line intersect करे या नहीं करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है that उस normal की line ही उसको shortest distance बना के देगी ठीक है so we have to write down the equation of normal और यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि इस पे कोई point लेंगे इससे पहले ellipse देखिए आप दे रखा है और ये line है line की equation ये given है this is the y equals to इस तरफ ले लीजिए माइनस एक्स प्लस टेन तो इसका स्लोप आपको माइनस वन दिखाई दे रहा है राइट एंड वी रिक्वायर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो इस पे जो पॉइंट होगा नॉर्मल पे वो पॉइंट निकालना पड़ेगा एंड फ्रॉम दैट पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होगी ठीक है ना तो एक काम करेंगे इस पे कोई भी पॉइंट लेंगे दिस पी पॉइंट लेट्स से ए कॉस थीटा बी साइन थीटा एंड ए इज फोर सो फोर कॉस थीटा एंड थ्री साइन थीटा Now this is the any point P. Now see P point is 4 cos theta and 3 sin theta. Now equation of normal hum likhenge. Equation of normal at the point. So that point that is the A sec theta, AX sec theta minus BY cos sec theta equals to A square minus B square. Equation likhte the. A ki value 4 ho gayi. This is the 4x sec theta minus 3y cosec theta equals to a square minus b square. A square minus b square minus 16 minus 9. So this is directly equals to 7. Right. Ab ek kaam kiya jayega ki ye line, this normal line is perpendicular to this line. Normal line is perpendicular to this line. So iska slope hum nikal dein. Slope of normal. स्लोप ऑफ नॉर्मल नॉर्मल लाइन का स्लोप अगर निकालें तो इस लाइन को उस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा सो डायरेक्टली चलिए लिख देते हैं इसको 4x sec थीटा इक्वल्स टू 3y cosec थीटा प्लस 7 है तो प्लस 7 यही रहने देंगे y चलिए वी रिक्वायर द स्लोप सो m निकाल रहा हूँ मैं इसका स्लोप इसका हो जाएगा दैट इज द 4 sec थीटा divided by the 3 cosec theta y equals to mx plus c के फॉर्म में से देखने के बाद में इसको डिवाइड करेंगे y का x का कोफिशिएंट जो होगा वो स्लोप ही आएगा और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 4 upon 3 cosec ऊपर जाएगा sin होगा and this is cos theta so 4 upon 3 tan theta right this is the slope of normal equals to 4 upon 3 tan theta ठीक है नॉर्मल लाइन जो है उसका स्लोप 4 अपॉन 3 10 थीटा है अच्छा इस लाइन का स्लोप माइनस 1 है स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल्स टू माइनस 1 सो बोथ आर परपेंडिकुलर राइट सो इक्वेशन 1 से 2 इक्वेशन 1 इज परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 2 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने के लिए ये जरूरी है कि वो लाइन उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करे नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर बने टू द गिवन टेंजेंट गिवन लाइन वो हो सकता है टेंजेंट हो नहीं हो कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है ठीक है ना तो उसको आप इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल्स टू माइनस वन लिखेंगे 4 upon 3 tan थीटा स्लोप ऑफ दिस लाइन स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इक्वल्स टू माइनस वन स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इंटू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन equals to minus 1 product of slope equals to minus 1 और यह लिख सकते हैं हम tan theta equals to देखिए minus 1 खत्म हो जाएगा 3 by 4 तो tan theta आ जाएगा अब जब tan theta की value आ जाएगी तो हम यहाँ cos theta और sin theta भी निकाल सकते हैं so we can finally decide the point तो वो point decide हो जाएगा जब point decide हो जाएगा यहाँ पे point आपको मालूम पड़ जाएगा so we can find out the distance
PM distance, perpendicular distance, इस पॉइंट से गिवन लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल पाओगे, ठीक है। सो इसके लिए बेस्ट है ट्रायंगल से निकाल लो, आप ट्रायंगल पे आ जाइए। दिस इज टेन थीटा इज 3/10 थीटा इज गिवन एज द 3/4, सो इफ दिस इज 3/4 देन दिस विल बी 5, सो देयरफॉर पी पॉइंट जो पी है 4 cos थीटा, cos थीटा के लिए वैल्यू लिखेंगे बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूस राइट, कॉमा 3 into साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे 3/5, दिस इज 3/5, सो दिस पॉइंट पी इज 16/5 इंटू 9/5, सो पी पॉइंट इज डिसाइडेड राइट। जब पी पॉइंट डिसाइड हो गया तो अब डिस्टेंस निकाली जा सकती है लाइन की वहां से। देयरफॉर पी एम देखिए डायग्राम से मैंने ये डिस्टेंस लिखा, गिवन लाइन आपको ये लाइन थी एक्स प्लस वाई, उस लाइन को वापस अपने फॉर्मेट में लिख लें एक्स प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 ऐसा लिख लें। सो देयरफॉर पीएम एंड चलिए यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, दिस पॉइंट इज 16/5, 9/5 पी पॉइंट एंड दिस इज द लाइन, लाइन इज गिवन एज एक्स प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। सो देयरफॉर पीएम इक्वल्स टू ए वन एक्स वन 16/5 प्लस 9/5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज रूट 2 राइट, दिस इज द डिस्टेंस, इसको चेक कर लेंगे। सो मल्टीप्लाइंग इट बाय द 5 बोथ साइड 5 दर जाएगा 16 + 9 = 25 - 50 राइट, ये 5 नीचे आएगा 5√2 टेक द मॉड, दिस इज अगेन द 25, सो 5/√2 5/√2 इज द आंसर, दिस इज 25, 5 टाइम्स ही कट होगा 5/√2, सी ऑप्शन इज करेक्ट है राइट, तो इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ले लेते हैं हम क्वेश्चन 4, देखिए क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। तो वैसे तो ये अगर लोकस निकालना है किसी चीज का तो लोकस पॉइंट जो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किए एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड। तो देखिए इसका स्टेटमेंट समझते हैं क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे लोकस निकालना है इसका, सो लेट्स से दिस इज द एलिप्स राइट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। तो ये आपको निकालना है लोकस, वी हैव टू फाइंड आउट द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। तो ये तो हमारे हिसाब से तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनी कि आप आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी दैट इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, बट ही सेइंग इट इज अ नॉर्मल कॉर्ड। सो अगर इसी को हम ऑल्सो नॉर्मल कॉर्ड भी बोलेंगे, दिस इज द नॉर्मल कॉर्ड, तो हम इन दोनों को कंपेयर करा लेंगे ना, नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, अगर वो कॉर्ड नॉर्मल की इक्वेशन होती है तो फिर हम उसके साथ में कंपेयर करके देखते हैं कि हम ये जो रिजल्ट्स दिए हुए हैं उसका जो लोकस शो कर रहा है एच के पॉइंट का वो किस तरह से आता है। सो फर्स्ट फाइंडिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, वो हमारे लिए अभी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ही है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट अगर तो है तो t इक्वल्स 0 से आएगी एक्स एच बाय ए स्क्वायर प्लस वाई के बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दिस इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट राइट। इक्वेशन वन इज ऑल्सो नॉर्मल कॉर्ड मीन्स कॉर्ड विच इज नॉर्मल ऑफ द एलिप्स, ऐसी कॉर्ड जो कि नॉर्मल बनती है
एलिप्स की नॉर्मल बनती है, राइट। सो इट इज ऑल्सो नॉर्मल कॉर्ड, तो नॉर्मल की इक्वेशन भी लिखेंगे। और इक्वेशन देखिए आप जनरल में दे रखी है, एलिप्स की इक्वेशन भी जनरल में दे रखी है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, दिस इज ऑल्सो गिवन इन जनरल, तो हम जनरल में लिख देंगे। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बी ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा, राइट, इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी लिख देंगे। अब इसको इससे कंपेयर कराना है, एज इक्वेशन वन एंड टू आर सेम, दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी, कह रहा है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज अ नॉर्मल कॉर्ड। देख लीजिए लैंग्वेज, देख लीजिए लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, ऑफ द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड पे अगर बनाते हैं, ये नॉर्मल वर्ड पहले छोड़ दीजिए, तो इसको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ किया एंड दैट इज ऑल्सो द नॉर्मल ऑफ द गिवन एलिप्स, तो उसको दोनों को सेम किया, अभी कंपेयर करा देंगे। एज इक्वेशन वन एंड टू आर सेम, सो इसमें एक काम कीजिए कि इसको ए एक्स सेक थीटा है माइनस बी वाई कोसेक थीटा है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, कंपेयर कराना है तो उधर वन कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको डिवाइड किया, राइट, इक्वल्स टू वन। नाउ लेट से इट इज द रियल सेकेंड इक्वेशन एंड कंपेयरिंग वन एंड टू, कंपेयरिंग वन एंड टू, सो यू कैन राइट द एक्स का कॉफिशियंट आएगा एच बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का कॉफिशियंट, सो द ए सेक थीटा बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। तो सेक थीटा नीचे जाएगा, कॉस थीटा इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, सो वी कैन राइट द कॉस थीटा इक्वल्स टू, राइट, सेक थीटा जब नीचे होगा तो कॉस थीटा बनेगा, कॉस थीटा को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उधर ले जा सकते हैं, सो यू कैन राइट द ए, ठीक है, ए क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी जगह रहेगा। एंड व्हाट अबाउट दिस ए, ए क्यूब ये हो गया, ए स्क्वायर और एच भी हम नीचे ले लेंगे इधर, एच डाउन साइड, राइट, सो वी हैव कैप्ट द कॉस थीटा दिस साइड, कॉस थीटा उधर ले गए, सेक थीटा से नीचे उतारा कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर गया, एच यहाँ नीचे आ गया, ए क्यूब कर दिया है और ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर अपनी जगह था, ठीक है। ऐसे सेकेंड कंपेरिजन ले लेंगे, के बाय बी स्क्वायर, के बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू, के बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, सो इट इज इक्वल्स टू माइनस बी, के बाय बी स्क्वायर, माइनस का बी आएगा, कोसेक थीटा आएगा, कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, एंड अगेन टेक दिस डाउन, सो साइन थीटा इधर जाएगा, तो साइन थीटा यहाँ लिख देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, सो माइनस बी क्यूब हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय के होगा, राइट, दिस इज सेम। नाउ दिस इज कॉस थीटा वैल्यू और ये साइन थीटा की वैल्यू है, पैरामीटर हमें एलिमिनेट करना पड़ता है, तो ये चीज मैं हम पहले से ही जान रहे थे कि जब वो कॉस थीटा क्रिएट कर रहा है तो दूसरी तरफ साइन थीटा क्रिएट करेगा, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे जिससे कि थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, व्हेन थीटा विल बी एलिमिनेटेड विल गेट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एच के, और उसका लोकस लिखना रहेगा, तो उसको एच के को हम एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे, दैट विल बी द फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो उसके लिए यही करेंगे। यहाँ पे आप एक काम करोगे, सो इसमें लेट से दिस इज द रिजल्ट थ्री एंड रिजल्ट फोर, सो स्क्वायर थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, रिजल्ट थ्री का स्क्वायर और रिजल्ट फोर का स्क्वायर ऐड किया, सो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, कैन बी रिटन एज स्क्वायर और कर देंगे ए टू द पावर सिक्स आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन टू एच स्क्वायर होगा, राइट, प्लस ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा बी टू द पावर सिक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इन टू के स्क्वायर, सो दिस इज वन, देयरफॉर लोकस ऑफ एच के
लोकस ऑफ एच के बी, उसका लोकस लिखेंगे तो ये वन हो गया, तो आप देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा लिख सकते हैं ए टू द पावर सिक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस दिस इज बी टू द पावर सिक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर इधर भी होगा क्योंकि पूरे का स्क्वायर किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू वन, दिस वैल्यू इक्वल टू वन, ये वैल्यू वन हो जाएगी। और थोड़ा रीसेट कर सकते हैं इसको, स्क्वायर को हम ऊपर ले जा सकते हैं, स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है ठीक है। और यू कैन राइट द ए टू द पावर सिक्स डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस बी टू द पावर सिक्स बाय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। इस फॉर्मेट में हम इसलिए लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसने लिखा हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नीचे सभी में था, उसमें एक में नहीं था ठीक है, बट हमारे पास में स्क्वायर भी आ रहा है होल स्क्वायर। सो कंपेयर ए टू द पावर सिक्स बाय एक्स स्क्वायर बी टू द पावर सिक्स बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, डी ऑप्शन इज करेक्ट है, चेक चेक द ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिखा रहा है, बी ऑप्शन में यहाँ स्क्वायर नहीं है, बाकी सब बराबर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो ये भी कंफ्यूजिंग है, सो डी ऑप्शन इज फाइनली राइट ही है ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चंस।